हाय नमस्ते देवेंद्र जी को, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, पूजनीय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में एक विशेष वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जो स्त्री अपने पूरे परिवार के साथ, अपने सास ससुर, अपनी जेठ जिठानी, देवरानी देवर के साथ रहती है, पूरे कुटुंब के साथ रहती है, और उस कुटुंब में यदि वह सबके झूठे बर्तन धोती है, घर की झाड़ू लगाती है, तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? पूजनीय पंडित जी ने बहुत अच्छा सा प्रसंग बताया और उन्होंने बताया जो भी स्त्री यह कार्य करती है पूरे कुटुंब में रहने के बाद, उसे अगले जन्म में सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके अगले जन्म में उसे अगला जन्म बहुत अच्छा मिलता है। इस जन्म में ही उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है, कभी भी उसे आर्थिक तंगी नहीं होती है अगले जन्म में, और मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। क्योंकि 84 लाख योनियों में से सिर्फ 20 लाख योनि तो पेड़ पौधों वृक्ष की होती है, इसलिए हमें इस जन्म में यदि सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें सेवा करना चाहिए। इससे हमारे जीवन की दरिद्रता दूर होती है और पाप कटते हैं। इसलिए जो भी स्त्री यह कार्य करती है तो उसे कभी भी मन में द्वेष नहीं लाना चाहिए, उसके मन में कभी भी द्वेष नहीं आना चाहिए। वह सच्चे मन से अगर कार्य करती है तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं और उसे उसके सारे पापों से मुक्त करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।